हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हर माँ का सपना होता है कि उसका बच्चा खुशी खुशी खाना खा ले, लेकिन आजकल बच्चे खाने में इतने ज्यादा नखरे करते हैं कि बच्चे को खाना खिलाना एक टफ टास्क हो गया है। कुछ बच्चे खाने में इतने ज्यादा नखरे दिखाते हैं या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक ही तरह का खाना रोज खाने की डिमांड करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी इनमें से किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग बच्चों का खाना ना खाने का कोई एक रीजन नहीं है, जैसे कि कुछ बच्चे टेस्ट पसंद ना आने पर खाना नहीं खाते, कुछ बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती तो वो खाना नहीं खा पाते, बच्चा अगर एक साल से छोटा है तो दांत निकलने की वजह से खाना नहीं खाते, और अगर बच्चे को थ्रोट और माउथ इन्फेक्शन या कुछ छाले हो गए तो वो खाना नहीं खा पाते। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन भी खाना ना खाने का या कम खाने का एक रीजन बच्चों में हो सकता है। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी टिप्स है जिसे फॉलो करके हम अपने बच्चे के खाने के टेस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे की डाइट में न्यू टेस्ट को ऐड करिए, और टेस्ट ऐड करने के बाद आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि कई बार बच्चा पहली बार में ही न्यू टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा, आपको बच्चे को ये नहीं कहना है कि आप खाना फिनिश कर लो तो मैं आपको फोन दूंगी, टीवी दूंगी या कोई गिफ्ट दूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें क्या करना चाहिए अगर बच्चा खाने में नखरे करता है? तो सबसे पहला, बच्चे की डाइट में न्यू टेस्ट को ऐड करें। अगर बच्चा खाने में नखरे दिखाता है ना, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप न्यू टेस्ट को बच्चे पर ट्राई ही ना करें। और अगर बच्चा न्यू टेस्ट ऐड करने के बाद भी, कोई नई डिश बनाने के बाद भी खाना नहीं खा रहा है ना, तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि बच्चे को न्यू टेस्ट को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। बच्चे को खाने में ऑप्शन जरूर दें। जब बच्चे को भूख लगी होती है ना, तो उसे पूछें कि वो क्या खाएगा और उसे खुद से सेलेक्ट करने दें। अगर बच्चा खुद से सेलेक्ट करता है ना, तो कई बार वो खाने में नखरे नहीं दिखाता है। नेक्स्ट, बच्चे का एक रूटीन सेट करें, उसके साथ बैठकर खाना खाएं, यानी कि जब आप सब लोग खाना खाते हैं तो उसी टाइम पर अपने बच्चे को खाना खिलाएं, उसकी प्लेट अलग से ले जाकर उसे ना दें। और इसके अलावा बच्चे से बिल्कुल ना बोलें कि भाई अगर आपने खाना फिनिश कर लिया तो मैं आपको आपका फेवरेट कार्टून देखने दूंगी या फोन दूंगी या कोई गिफ्ट दूंगी, ऐसा बच्चे से बिल्कुल ना कहें। इसके अलावा तुम खाना नहीं खाते हो, ऐसा बार बार बच्चे को ना बोलें। अब बात करते हैं उन 3 पॉइंट की जिसे मैंने फॉलो किया था और मेरे बच्चों के केस में 100% सक्सेसफुल रहा था, और ये खाने में बच्चे का इंटरेस्ट भी बढ़ा देता है। देखो, खाना बच्चे के लिए काफी बोरिंग होता है, तो आपको ना कलरफुल वेजिटेबल्स और डिफरेंट शेप बच्चे के खाने में यूज करनी है। इससे बच्चे के अंदर खाना खाने का जो है इंटरेस्ट पैदा होता है। दूसरा, जब भी मैं खाना बनाती थी ना, तो अपने बच्चों को किचन में ले आती थी, केयरफुली लाती थी, ध्यान रखती थी, और उस टाइम पर उनसे बोलती थी कि मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर दो, और कुछ ना कुछ उनसे मांग लेती थी कि ये दे दो। तो इससे क्या होता था कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट आता था कि यार आज सब्जी बनाने में मैंने हेल्प करी है, तो जो है वो खाने में भी इंटरेस्ट दिखाता था और बहुत खुश होकर खाना खाता था। तीसरा, मैंने जो है बच्चों की जो खाने की थाली है, बर्तन है, उनके डिफरेंट, उनके जो फेवरेट कार्टून है ना, उसके परचेज किए थे, जिससे मेरे बच्चों का इंटरेस्ट खाने में इंक्रीज हुआ था। और लास्ट पॉइंट, कुछ बच्चे खाना थोड़ा कम खाते हैं, जैसे कि मेरी बेटी खाना कम खाती है, तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा खाना उसे बार बार खिलाती हूँ। और लास्ट पॉइंट, स्ट्रेस बिल्कुल ना ले, टेंशन बिल्कुल ना ले कि बच्चा खाना कम खा रहा है, और बच्चे क्या होता है कि वो स्ट्रेस बच्चे के अंदर भी ट्रांसफर हो जाता है, तो अगर बच्चा बहुत ज्यादा इतने सब एफर्ट्स करने के बाद भी खाना नहीं खा रहा, तो उसे डॉक्टर को जरूर दिखाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।